वेलकम टू काटे आज हमें करना है जी एम जी टी ट्रिपल वन का लेसन नंबर टू एंड थ्री इकट्ठे हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये लेसन एक ही टॉपिक पर बेस्ड हैं बेसिकली आपकी क्लासिकल थ्योरी जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है इसलिए हम इन्हें इकट्ठा कवर करेंगे और ताकि हमारा टेम्पो बरकरार रहे है. तो चले जी लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम पढ़ेंगे 73 के आइन में मौजूदा फंडामेंटल राइट्स जो इंसानों को जो सिटीजन्स को दिए गए थे वो क्या थे बारी बारी उनको देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे सबसे पहले दिया गया जी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन हर इंसान को उसकी सिक्योरिटी दी जाएगी जैसे कि पुलिस होती है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है हमारे इर्द गिर्द और फोर्स और uh, जो है एजेंसीज मौजूद हैं जो कि हमारा हर वक्त लुक आफ्टर हमें कर ही होती हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और उसको अगर uh, उस पर कोई एलिगेशन हैं और उसको अरेस्ट uh, करना है तो इट्स द ड्यूटी कि उसको कस्टडी में लेने से पहले उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको Uh, हम uh, इतने टाइम के अंदर अंदर हम आपको uh, अरेस्ट करने वाले हैं और अगर आप अपना कोई लॉयर या कोई भी लीगल एडवाइजर रखना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए तो यू कैन डू दैट ठीक है स्लेवरी फोर्स लेबर एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड uh, देखें आजकल जो हम लोग मेज वगैरह रख रहे हैं वो uh, वो चीज़ इसमें नहीं आती है लेट मी मेक दैट क्लियर क्योंकि इट्स नॉट फोर्स्ड वो अपना काम करते हैं उसके मुताबिक वो मुआवजा लेते हैं उनको इज़्ज़त से ट्रीट किया जाता है वो हमारे साथ उठते बैठते हैं उसमें उनको कोई फोर्स लेबर नहीं होता ना उनकी कोई तोहन हो रही होती है तो वो घर के काम काज करते हैं इज्जत से करते हैं इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब वो चीज़ स्लेवरी में नहीं आती वो फोर्स लेबर में नहीं आती फोर्स लेबर में वो चीज़ आती है जैसे पहले ज़मानों में एक कॉन्सेप्ट था कि बग़ैर पैसे दिए खानदानों को प्रॉपर गुलाम बना लिया जाता था और उनसे हर तरह के काम लिए जाते थे विच वॉज रॉन्ग इनवोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन हर इंसान को उसकी इज्जत और वकार बहुत प्यारा होता है और उसकी हिफाजत की जाएगी किसी को मतलब अगर आ, अरेस्ट करना भी है तो ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि किसी की प्राइवेसी में घुस कर किसी के घर में जाकर उसको आ, बेशक वो गलत भी है तो उसको तंग ना किया जाए और सही इंसान को तो वैसी कोई तंग नहीं करता फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आप कहीं पर भी जा सकते हैं आप अपने मुल्क में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं कभी भी किसी भी सिटी में कभी भी जा सकते हैं और अगर आप जाना चाहें तो आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं उसमें भी कोई मजाक नहीं है फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बोथ हर Kind of same thing, कि आप किसी भी नुकसान पहुँचाने के लिए ना हो एजेंडा को अच्छा है तो आप उस पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर आप लोग उस पर असम्बली बना सकते हैं आप उस पर एसोसिएशन बना सकते हैं आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं सेम इंटरेस्ट पे जैसे एनजीओज होती है जैसे किसी राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है इस टाइप की जो चीजें हैं वो इंकरेज की जाती है फ्रेम ऑफ ट्रेड बिजनेस और सॉरी फ्रीडम ऑफ़ ट्रेड बिज़नेस और प्रोफेशन आपको कुछ भी uh, किसी भी तरह का बिज़नेस है आप रजिस्टर कराएँ आप कर सकते हैं आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आपको प्रोफेशन ऑप्ट आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इफ़ यू आर कैपेबल तो आप सब कुछ कर सकते हैं ट्रेड में सिर्फ ये uh, एक कंडीशन uh, आती है कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं ला सकते दूसरे मालिक से या लेकर जा सकते जो कि अलाउड uh, नहीं है मतलब यहाँ पर अगर ड्रग्स ड्रग्स तो किसी भी मुल्क में खैर अलाउड नहीं है तो ड्रग्स जैसे हैं तो उनको आप लोग यहाँ पे, पे ट्रेड नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि जैसे हम हैं आज हम कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में बोल सकते हैं वो एक अलहदा बात है कि कुछ एथिकल चीजें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हम फिर भी हम लोग फ्री हैं कुछ भी किसी को भी कहने के लिए फ्रीडम फ़्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीज इंस्टीट्यूशन आप किसी भी मुल्क से सॉरी uh, किसी भी रिलीजन से त्लुक़ रखते हैं आम सारे लोग उसका एहतराम करते हैं आपको पूरी इज्जत है दी जाएगी आपको अपनी uh, इबादत परफॉर्म करने का फुल राइट है कोई उस पर uh, आपसे इख्तलाफ़ नहीं कर सकता सेव गार अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन अगर uh, जैसे मसाजिद की जगहों पर टैक्स नहीं लिया जाता उसी तरह चर्च है आपके uh, मंदिर हैं जो भी जितने भी रिलिजन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें से किसी भी रिलीजियस लैंड पर टैक्स वसूल नहीं किया जाता सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलिजन हम uh, किसी भी uh, गैर मुस्लिम को नॉन मुस्लिम को फोर्सफुली हम इस्लामिया का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते या कोई भी इस्लामी चीज़ हम नहीं पढ़ाते हैं हाँ पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती है क्योंकि एज अ पाकिस्तानी दे शुड नो द हिस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान लेकिन हाँ रिलीजन में उन पर कोई फोर्स नहीं किया जाता कि वो हमारे रिलीजन की हिस्ट्री पढ़ें वो अपने रिलीजन की बुक्स पढ़ सकते हैं या उनके जैसे भी मार्क्स अकोमोडेट कर दिए जाते हैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजन हर इंसान बराबर है इस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स सब कुछ हर इंसान को उसकी आज़ादी हासिल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक एरियाज कोई भी पब्लिक एरिया कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है या किसी भी पर्पस के लिए है वहाँ पर वो कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर लोगों को दाखिल होने के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़े या कोई ऐसी बात हो मतलब कि ये कमतर है तो ये इस जगह पर एंटर नहीं कर सकता ये, ये बहुत ज़्यादा है तो इस जगह पर एंटर कर सकता है ऐसा नहीं है कोई भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर कोई भी इंसान इजीली जा सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पब्लिक एजेंसीज जो पब्लिक एजेंसीज काम कर रही हैं उन पर कौन सी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं वो अफेक्ट करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जाहिर है मौशी हालत वहाँ के मुल्क की और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत असरअंदाज होते हैं एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी मराहल से गुजरी है ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन से चली आ रही है मोहिंजो दाड़ो और हिपा के टाइम से हमारे पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत पुराना है जिसमें काफ़ी स्कूल ऑफ थाट्स आए हैं जैसे साइकोलॉजी में होते हैं जैसे सोशोलॉजी में होते हैं इस तरह हर स्टडी को शुरू किया होता है कुछ लोगों ने और उनके कुछ बिलीव्स होते हैं जिन्हें हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल स्कूल तो चलें जी स्टार्ट करते हैं क्लासिकल स्कूल को क्लासिकल स्कूल में हमारे पास हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको बारी बारी हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हमारे पास आते हैं वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन ने हमें लिख कर दिया था एक एसे एसे लिख कर दिया है इन्होंने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एटीन में ठीक हो गया इससे पहले हम यहाँ पे एक और पॉइंट है छोटा सा जिसको कवर करते चलते हैं कि बेसिकली वो इनका मानना ये है कि अगर जितने भी पब्लिक सेक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे कि कोई हम कह सकते हैं स्कूल्स हैं या कोई फैक्ट्रीज हैं और उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ठीक है उसको गवर्नमेंट को ठीक करना होता है जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट्स इंटरवीन टू करेक्ट मार्केट इंपरफेक्शन इन्हें मार्केट इंपरफेक्शन कहा जाता है कि मतलब अगर स्कूल्स हैं वो पढ़ाई के पर्पस के लिए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं फैक्ट्रीज हैं वो कुछ बनाने के पर्पस के लिए पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं ये मार्केट इम्परफेक्शन होती हैं कि मतलब जिस चीज़ के लिए जो जिसका मकसद है वो वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है दैट इज़ मार्केट इंपरफेक्शन तो उसके लिए बेहतर है कि गवर्नमेंट काम करे ठीक है इसमें यही आपको बात बताई गई है उसके बाद हम थे पहुंचे वुड्रो uh, विल्सन पे वुड्रो विल्सन के ऐसे की हमने बात कर ली थी हम देखते हैं कि वुड्रो विल्सन ने क्या कहा है बेसिकली ये यूएसए uh, गवर्नमेंट के मुत, मुतालिक इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की जो थिंकिंग uh, थी वो बयान किया इनका मानना यह था कि एटीन एटीज़ में यूएसए uh, जो है वो बहुत यूएसए uh, की uh, जो गवर्नमेंट थी जो वहाँ पे uh, लोग हुकूमत में थे वो बहुत इनफिशेंट और करप्ट थे दूसरा इनका मानना ये था कि ये बहुत ज़्यादा इस बात के कायल थे कि टेक्नोलॉजी को या बिजनेस को इंडस्ट्रीज को यूज़ किया जाए ठीक है वेलफेयर के लिए आगे बढ़ने के लिए के लिए यूज़ किया जाए तीसरा इनका ये बिलीव था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए ना कि आम लोग जो कि उठ के पॉलिटिक्स में आ जाते हैं वो कभी भी काम अच्छा नहीं कर सकते उसके अलावा इनका ये मानना था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को अलहदा रखना चाहिए ये दो बहुत अलहदा चीजें हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में है वही एडमिन का काम संभालेगा नहीं लेकिन ये दोनों अलहदा चीजें हैं इनका मानना ये था और ये कहते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट को एफिशेंट करना है तो आपको गवर्नमेंट के कुछ काम प्राइवेट सेक्टर्स को दे देने चाहिए बेशक आप उन्हें लुक आफ्टर करें लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर दिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं उसके बाद सेकंड पर्सनालिटी हमारे पास आती है जी लिनॉर्ड डिवाइट की लिनो डिवाइड ने आर्टिकल लिखा है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनके बहुत सिंपल बिलीव्स हैं दो बिलीव्स हैं इनका मानना यह है कि हमें डेमोक्रेसी से काम लेना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए जो कि मतलब सबसे राय लेने के बाद जो फैसला किया जाता है दैट इज़ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए और उससे आप एफिशिएंसी uh, बढ़ा सकते हैं ममालिक की भी और ऑर्गेनाइजेशंस की भी डेमोक्रेसीज़ इज द मेन थिंग मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी सबकी राय ली जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और अगर मुल्क में भी सबकी राय ली जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी उसके बाद आते हैं जी डब्ल्यू एफ ब्लॉक व लॉक बाय व लॉक बाय डिफरेंट तरह प्रोनाउंस किया जाता है जैसे आपको ठीक लगे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने लिखा है इनके नाम सारों के मिलते जुलते हैं जो जो इनकी राइटिंग्स हैं इन्होंने लिखी है वैल्यू फ्री इनका जो आइडिया था दैट इज़ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट जिससे इनका मतलब ये है कि हमें जो भी सर्विसेज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो अनबाइस्ड होनी चाहिए हर इंसान को इक्वली प्रोवाइड की जानी चाहिए ये इनका मानना था उसके बाद हमारे पास आते हैं एफ डब्ल्यू टेलर फ्रेडरिक वस्लव अच्छा अब इनका काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है इन्होंने इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लेकिन उनको भी आपने इम्पोर्टेंस देनी है ये इन्हें कहा जाता है जी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको कहा जाता है और ये काम करते थे मिडवल स्टील कंपनी में इन यू एस ए जहाँ पर बेसिकली लोडिंग एंड अनलोडिंग होती थी कोल की और आयरन की जिसमें से कोल लिफ्ट किया जाता था फाइव एल बीज और आयरन और लिफ्ट किया जाता था 38 बीज अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि क्वेश्चन इज द राइट लोड अब लोग कहेंगे कि राइट right लोड नहीं आपको पता आप कितने जाहिल हैं ऐसा नहीं है वो जाहिल नहीं थे वो बड़े अक्लमंद इंसान थे बात ये असल में वो बात जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि ऑफकोर्स थर्टी एट एल आयरन इज हमेंडी वेट, वेट, वेट में बहुत किया जा रहा है उठाया जा रहा है लोड अनलोड किया जा रहा है तो इज दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन दैट कैन बी लोडेड और अनलोडेड और शॉवल्ड और थ्री पॉइंट सेवन एल lbs अगर किया जा रहा है तो क्या यह मैक्सिमम अमाउंट है जो कि राइस कोल राइस कोल इज लाइक पिसावा जो कोयला होता है तो राइस कोल अगर वो लिफ्ट किया जा रहा है तो क्या ये मैक्सिमम है जो किया जा रहा है इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये था इनका बेसिकली क्वेश्चन इज नॉट लाइक के कौन सी अमाउंट ज्यादा है या कौन सा नंबर कौन से एल ज्यादा है इट्स नॉट लाइक दैट इन्होंने किया जी एक एक्सपेरिमेंट दो इन्होंने बेस्ट शॉवलर्स उठाए वहाँ के कंपनी के जो भी जगह थी उधर के और उन्हें इन्होंने डबल वेजेस दी और उनको दो अलहदा इन्वायरमेंट्स में इन्होंने रख दिया होल डे के लिए और इन्हें कहा कि आपने जब तक आप थक नहीं जाते आपने पूरा दिन काम करना है हाँ आपने थक कर टूटना नहीं है लेकिन थकने तक थक काम करना है सही हो गया जी इन्हें ये कहा गया और फिर उनको डिफरेंट तरह से सुपरवाइज किया गया मतलब उनको डिफरेंट टाइप के वो शॉवल दिए गए शॉवल बेलचा होता है बेसिकली बेलचे मुख्तलिफ तरह के दिए गए शेप्स के उनकी लाइट कभी बढ़ा देते थे कभी कम कर देते थे टेम्परेचर बढ़ा देते थे कम कर देते थे मतलब उन पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके इन्होंने देखी और इनको वही अप्रॉक्स मिला ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव एल बीज से थर्टी एट एल बीज जो कि पहले था तो बेसिकली इनका ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये था कि ये जान सकें कि कैसे इंसान जो है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है और क्या ये जो वर्कर्स थे यहाँ पर ये अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे और ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि क्योंकि ये उनके बेस्ट अब ये थे वो दो मतलब ये इन्होंने सिंगल सिंगल बंदे ने इतना वेट उठा लिया और वहां पर पूरे जितने भी वर्कर्स थे वो मिलकर इतना वेट उठा पाते थे तो इसका इन्होंने ये नतीजा निकाला कि इसमें एक और फैक्टर जो असरअंदाज हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो वहाँ के बेस्ट वर्कर्स थे अब इस रिजल्ट क्या आए इस एक्सपेरिमेंट के पहला तो इन्होंने कहा क्योंकि ये इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो इन्होंने साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है मैनेजमेंट में इन्होंने कहा कि जी साइंटिफिक जो रूल्स होते हैं वो बेस्ट रूल्स होते हैं और उनसे बेस्ट आउटपुट आता है सेकेंडली वो कहते हैं कि रूल ऑफ थम्स को हमें निकाल देना चाहिए रूल ऑफ थम्स इज बेसिकली जो हमारी नानियों दादियों के रूल होते हैं जिनका जी, कोई सर नहीं होता तो मतलब कभी वो चल जाते हैं कभी नहीं चलते उन्हें रूल ऑफ थाम कहते हैं तो उनको रूल थाम को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए और हमें जो है वो maximum output की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक मेंशन अमाउंट ऑफ आउटपुट पर नहीं तवज्जो देनी चाहिए और वर्कर्स के सिलेक्शन पर बहुत खास ख्याल रखना चाहिए और वर्कर्स से किस तरह काम लेना है ये भी आपको आना चाहिए इट्स एन आर्ट अच्छा जी उसके बाद ये यही बात है कि टेलर का ये जो काम है शॉवलिंग का और ये जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो इनके बिलीव्स हैं ये काफ़ी अरसे तक चले हैं इनको काफ़ी पजीराई मिली है और ये काफ़ी अरसे तक चले हैं अच्छा जी यहाँ से हमारे लेक्चर नंबर थ्री स्टार्ट हो रहा है क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट्स विच इज़ हैंनरी एल गैंट हैंनरी एल गैंट जो है हैं। 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 ये थोड़े से क्लासिकल से ना थोड़े से मुख्तलिफ थे Uh, वैसे क्लासिकल वाले बेसिकली तवज्जो देते हैं इंसान पर ये तवज्जो नहीं देते ये सिर्फ काम पर तवज्जो देते हैं इन्होंने कहा है कि नहीं जी ह्यूमन एलिमेंट थोड़ा सा तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए मतलब इंसान की अपनी काबिलियत उस, उस, उसके एलिमेंट्स जो हैं इंसान के वो चीज़ें भी खासी इंपॉर्टेंस रखती हैं दूसरा इन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर मतलब जो आपके काम करवाने वाले हैं और काम करने वाले हैं उनमें एक अच्छा ताल्लुक होना बहुत जरूरी है उनमें एक अच्छा ताल्लुक होगा तो ये लोग बेहतर आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अच्छा काम कर पाएंगे आ, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी प्लानिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप पहले से अच्छे से काम को प्लान करके रखें तो काम अच्छा ही होगा फ्रैंक एंड लेलियन गिल ब्रेथ ये दोनों हजबेंड एंड वाइफ थे इन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया था कि जो ईंटे नहीं लग रही होती अः बिल्डिंग्स में इन्होंने कहा कि ये ज्यादा टाइम टेकिंग है ये आपकी अठारह से पाँच से अठारह मूवमेंट जो है ना कम हो सकती हैं तो आ, ये काम जरा ज्यादा जल्दी हो सकता है ये बेसिकली फॉलोअर थे टेलर के ये टेलर से मिले इन्होंने अपना आइडियाज अपनी बातें टेलर से शेयर भी किए हुई है। हैं तो क्योंकि ये टेलर के फॉलोअर थे और उनसे इतना आ, आ, कहेंगे कि इतफाक राय रखते थे तो इन्होंने कहा कि जी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ही होनी चाहिए मतलब साइंस ही को हमें अप्लाई करना चाहिए और आ, दूसरा इन्होंने कहा कि वर्कर्स की पर्सनालिटी और उनकी ज़रूरिया को समझना ज़रूरी है इन्होंने भी थोड़ी सी इंसानों इन, को इंसान समझने वाली बात की वरना बाकी लोगों का जो क्लासिकल्स से ताल्लुक रखने वाले हैं उनका यही बिलीव है कि इंसान इंसान ना समझा जाए उसको सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझा जाए। अच्छा जी, मैक्स वेबर हैं, साइकोलॉजी एक लॉयर हैं और ड्यूरिंग हिज टाइम मार्केट्स बूमिंग एंड हिज लाइफ लॉन्ग वर्क ऑन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेट टू बिलीव दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरो सी का दिया है जिसके लिए ये बहुत वेल well है और ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क आगे हम इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं अथॉरिटी। बेसिकली uh, क्या है कि uh, इनका मानना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक uh, तरह के लेवल्स में काम करती हैं मतलब ये अपर लेवल लोअर लेवल उससे लोअर लेवल मिड्योकर लेवल इस तरह काम करती हैं सारे इकट्ठे लेवल पर काम नहीं कर सकते अथॉरिटी क्या है जी अथॉरिटी बेसिकली एबिलिटी है किसी की भी ग्रुप को किसी भी लोगों को लीड करने की तीन टाइप ऑफ अथॉरिटीज इन्होंने बताई हैं सबसे पहले है ट्रेडिशनल अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो है जो हम लोग इनहेरिट करते हैं मतलब किंग का बेटा किंग हो गया uh, सरदार का बेटा सरदार हो गया दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी करिजमेटिक अथॉरिटी होती है कि आपको बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं स्पोर्ट्समैन हैं कोई आर्टिस्ट हैं कोई स्टार हैं कि आपकी बात का बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर और रैशनल लीगल अथॉरिटी ये है कि आपके पास uh, आपको लीगली लॉ के जरिए आपके पास uh, जो है ना वो अथॉरिटी हो दैट इज रैशनल लीगल अथॉरिटी जो जैसे पुलिस मैन के पास हो गई इन क्या है impersonality is that official is provided all equipments to carry out his duty he doesn't own the means of administration activities are completed impersonally which means that the self of individual is not involved in the work इंसान को अगर वो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे उस ड्यूटी के अंदर अपनी ज़ात को नहीं लेके आना मतलब ये कि अगर कोई पुलिस मैन है और वो लेट्स सपोज कि वो बहुत कोई uh, किसी एक टाइप के इंसानों से कोई बाइस्ड है थोड़ा स्टीडियो टाइप है उसे कोई इंसान बहुत बुरे लगते हैं तो वो उनके मतलब uh, बगैर वजह के उन पर मुकदमे चलाने लग जाएगा और उनको ज़्यादा टफ टाइम देगा एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल जो भी क्रिमिनल uh, होगा तो उसको अपनी पर्सनालिटी को अपने प्रोफेशन से आउट रखना है रिटर्न रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ब्यूरोसी की डिमांड है ऑर्गनाइजेशन की डिमांड है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो डॉक्यूमेंट की सूरत में पेपर्स पर लिखे जाते हैं प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट जो प्रमोशन uh, हैं वो बिल्कुल अचीवमेंट्स पर होनी चाहिए वो करप्शन के तहत या वो uh, वैसे ही बाइस्ड नहीं होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन डिविजन ऑफ लेबर के बारे में इन्होंने बात की है ये कहते हैं कि एक पर्सन को जो टास्क असाइन किया जाता है उसको उसी टास्क के लिए असाइन करना चाहिए ताकि उस एरिया में बेहतर से बेहतर हो सके उसको अः एक वक्त में मल्टी टास्किंग पे नहीं लगाना चाहिए विच इज नॉट अ गुड थिंग पिन मेकिंग क्या है अः पिन मेकिंग की एग्जाम्पल दी थी एडम स्मिथ ने बेसिकली ये क्या होता है

इन सारे कामों के लिए स्पेशलाइज पर्सन रखे जाए अच्छा जी आगे देख लेते हैं हेनरी फायोल हेनरी फायोल को कहा जाता है जी फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थेरी उससे पहले हमारे पास फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो ये जो हैनरी फायल द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन्होंने बुक भी लिखी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की और uh, इन्होंने हमें दिए हैं बेसिकली डिविजन ऑफ वर्क ये कहते हैं कि काम को इनका भी यही मानना है कि काम को आपको डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से हो सके मतलब ये कि प्रोडक्शन के लिए अलहदा डिपार्टमेंट कमर्शल्स के लिए फाइनेंस के लिए सिक्योरिटी अकाउंटिंग मैनेजरल हर चीज के लिए अलहदा से अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अब हम बात कर लेते हैं वो हमारे पास क्या है डिविजन ऑफ वर्क वही बात है कि काम को डिवाइड किया जाए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बो होना चाहिए जिसको अथॉरिटी मिलती है उसको अपनी uh, उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका ख्याल रखना चाहिए ऐसा नहीं कि अथॉरिटी मिल गई है तो बस अनने वाला गहू अच्छा जी डिसिप्लिन जो है वो क्या है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड कि एक ही बंदा होना चाहिए कमांड प्रोवाइड करने वाला एक ही बंदा होना चाहिए जो कि आप कह सकते हैं कि पावर में हो जिसकी सबने माननी मानी हो सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट द मैनेजर शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर इंसान को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला है उसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा कंपनी के इंटरेस्ट पर तवज्जो रखनी चाहिए रिम्यूनोरेशन ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर एंड एंड गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉय यर जो भी उनकी मैथड ऑफ पेमेंट है उनको उनके काम के अपनी अचीवमेंट्स के मुताबिक मिलनी चाहिए सेंट्रलाइजेशन इज अगेन कि आपकी जो अथॉरिटी है वो एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए स्केलर चेन सॉरी स्केलर चेन कहा गया जी चेन लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ कमांड मतलब ये कि एक हरारकी में आपकी कमांड की चेन आनी चाहिए uh, जैसे कि उन्होंने मैक्स uh, वेबर ने बात की है हैारकी की बेसिकली चेन स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर अ प्लेस फॉर एवरी थिंग एंड एवरी थिंग इन इट्स प्लेस मतलब ये कि जो ऑर्डर आ गया है उसको उसके टाइम पर उसकी बताए हुए तरीके से करना ही करना है इक्विटी जस्टिस फेयर रखा जाए सबको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल हर किसी को उनकी जॉब की बेसिकली जो हम कहते हैं ना सेफ्टी जो हम परमानेंट uh, हो जाना जिसको हम कहते हैं कि हम तो uh, फला इंसान परमानेंट हो गया उसकी जॉब पर मतलब उसको uh, एक तरह से गारंटी हो गई है उसकी जॉब की कि अब वो सही तरह से दिल लगाकर काम कर सकता है इनिशिएटिव क्या है जी कीनेस टू वर्क काम में इंटरेस्ट और लास्ट में आता है जी एस्प्रेट डिकॉप्स टीम वर्क Teamwork. Teamwork करना आना चाहिए और ये की के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है मेन फीचर ऑफ क्लासिकल स्कूल अभी तक हमें समझ आ जाने चाहिए कि क्लासिकल स्कूल क्या मानता है क्लासिकल स्कूल ये मानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स कभी भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए दूसरा ये इंसान को बेसिकली एक मटेरियल चीज समझता है कॉग मशीन का मतलब ये है कि एक मशीनी पुर्जा समझता है ये इंसान के एलिमेंट्स पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देती ये ये स्कूल ऑफ थॉट और ये थेरी और इनका मानना यह कि सिर्फ बस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो इंसान की कोई उसकी नज़दीक अहमियत या इंसान की काबिलियत की कोई अहमियत आसच सच नहीं है काफी अर्सा ये थेरी काम में रही है लेकिन उसके बाद इस पर ऑब्जेक्शन आने लग गए थे वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ रह गया जी हां जी तो यहाँ पर होता है हमारे दो लेक्चर्स खत्म इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ